श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे भारत के प्रमुख तीर्थ और वो कहां पर है। तो हमारे जो प्रमुख तीर्थ है उसमें 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 7 सप्तपुरी है और 4 धाम है। हमारा देश भारत में यूं तो अनेकों तीर्थ है पर इनमें से जो प्रमुख माने जाते हैं वो है 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग जो मैं आपको बता चुका हूं, 7 सप्तपुरी और 4 धाम। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये सभी जगहों के बारे में एक हल्की सी ब्रीफ, या ब्रीफ भी नहीं कह सकते, एक शॉर्टकट जानकारी कि कहां पर है और इनका नाम क्या है। धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार इन्हीं 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। तो पहला जगह सोमधाम, सोमनाथ। यह शिवलिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थापित है। दूसरा है श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है श्रीशैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। तीसरा है महाकाल, उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिव जी ने दैत्यों का नाश किया था। फिर है ओंकारेश्वर ममलेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देने यहां पे शिव जी पहुंचे थे, पहुंचने थे, प्रकट हुए थे कह सकते हैं, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। फिर नागेश्वर, गुजरात के दारुका वन के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ, झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में स्थापित है शिवलिंग। फिर भीमाशंकर, भीमाशंकर कहते हैं एक्चुअली में, महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। फिर है त्र्यंबकेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में, नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित है ज्योतिर्लिंग। फिर घुसमेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित है घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर केदारनाथ, आप सब जानते हैं हिमालय के दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। फिर विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और लास्ट में रामेश्वरम, त्रिचनापल्ली मद्रास, समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं कि रावण यहाँ पे आके खुद पूजा करवाए थे। फिर है 7 सप्तपुरी। सनातन धर्म 7 नगरों को बहुत पवित्र मानता है जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। पहला अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा हरिद्वार, चौथा काशी, 5वां कांची, 6ठा उज्जैन और 7वां द्वारका। फिर 4 धाम है। 4 धाम की स्थापना आद्र शंकराचार्य ने की, उद्देश्य था उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाओं में स्थित इन धामों की यात्रा कर मनुष्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को जाने और समझे। तो पहला है बद्रीनाथ धाम, उत्तर दिशा में हिमालय पर अलकनंदा नदी के पास है। और यहां जो प्रतिमा है वो विष्णु की शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति है। इसके आसपास बाईं ओर उद्धव जी और दाईं ओर कुबेर जी की प्रतिमा है। फिर द्वारका धाम, ये पश्चिम दिशा में गुजरात के जामनगर के पास समुद्र तट पर है और यहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तीसरा है रामेश्वरम, दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के बीच रामेश्वरम द्वीप है और वहां पे जो प्रतिमा है वो शिवलिंग है। फिर जगन्नाथपुरी, पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य में पुरी है, विष्णु की नीलमाधव प्रतिमा जो जगन्नाथ कहलाती है, सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाएं थी। ये मैंने आपको 4 धाम बताए। अब मैं आपको शक्तिपीठ बताने जा रहा हूं, कौन सी शक्तिपीठ का नाम क्या और ये कहां पे स्थित है। ये देश भर में स्थित
शक्त स्थित देवी के वो मंदिर हैं जहां देवी के शरीर के अंग आभूषण गिरे थे। सबसे ज्यादा शक्तिपीठ बंगाल में है। शक्तिपीठों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। बंगाल की शक्तिपीठ, बंगाल में कौन कौन से शक्तिपीठ है? बंगाल में टोटल 10 शक्तिपीठ है। काली मंदिर कैलकाटा में, कोलकाता समझिए, युगादा ये वर्धमान में है, त्रि सोत्रा ये जलपाईगुड़ी में है, बहुला केतुग्राम में, वक्तेश्वर दुबराजपुर में है, नलहटी ये नलहटी में ही है, नंदीपुर ये भी नंदीपुर में ही है, फिर अठास ये लाभपुर में है, फिर किरीट ये बड़नगर में है, और विभास ये मिदनापुर में है। अभी मध्य प्रदेश में 3 शक्तिपीठ है। 12वां है हरसिद्धि ये उज्जैन में, 13वां है शारदा मंदिर ये मेहर में है, और 14वां है तारा चंडी मंदिर ये है अमरकंटक में। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी 4 शक्तिपीठ है। एक है शुची जो कन्याकुमारी में है, फिर रत्नावली। रत्नावली कहां पर है? ये है तमिलनाडु में पर एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर 17वां है भद्रकाली मंदिर, ये संगम स्थल में है, और 18वां है कामाक्षी देवी शिव कांची में। फिर बिहार में 4 शक्तिपीठ है, सॉरी बिहार में 3 शक्तिपीठ है। एक है मिथिला, मिथिला में कहां पर है ये अज्ञात है अभी तक। फिर दूसरा है वैद्यनाथ ये देवघर में, और 21वां है पटनेश्वरी देवी ये पटना में है। फिर उत्तर प्रदेश में 3 शक्तिपीठ है, एक चामुंडा माता ये मथुरा में है, फिर विशालाक्षी ये मीरघाट में है, और ललिता देवी मंदिर ये प्रयाग में आएगा। फिर राजस्थान के शक्तिपीठ है, राजस्थान में 2 शक्तिपीठ है, एक है सावित्री देवी ये पुष्कर में है, और वैराट ये जयपुर में है। फिर गुजरात में 2 शक्तिपीठ है, एक है अंबिका देवी मंदिर ये गिरनार में है, और दूसरा भैरव पर्वत ये भी गिरनार में ही है। फिर आंध्र प्रदेश में 2 शक्तिपीठ है, गोदावरी तट ये गोदावरी स्टेशन पे है, और ब्रह्मराम्ब देवी ये श्री शैल में पड़ेगा। फिर महाराष्ट्र में 2 शक्तिपीठ है, करवी ये कोल्हापुर में है, और भद्रकाली ये नासिक में। कश्मीर में फिर 2 शक्तिपीठ है, शिव पर्वत ये लद्दाख में है, और पार्वती पीठ ये अमरनाथ गुफा में। फिर पंजाब में 1 शक्तिपीठ है, विश्वमुखी मंदिर और जालंधर में है। फिर उड़ीसा में फिर 1 शक्तिपीठ है, विरजा देवी ये पुरी में है। हिमाचल प्रदेश में फिर 1 शक्तिपीठ है, ज्वालामुखी शक्तिपीठ ये कांगड़ा में पड़ेगा। फिर असम की शक्तिपीठ है कामाख्या देवी शक्तिपीठ, ये गुवाहाटी में है, सबसे फेमस है। फिर मेघालय की शक्तिपीठ जयंती ये शिलांग में है। फिर त्रिपुरा की शक्तिपीठ है, यहाँ पे कहते हैं राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, ये है राधा किशोरपुर में। फिर हरियाणा में 2 शक्तिपीठ है, कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ ये कुरुक्षेत्र में है, और दूसरा है काल माधव शक्तिपीठ, ये अज्ञात है अभी तक, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाया है। फिर नेपाल की शक्तिपीठ वहां भी 2 है, एक गंडकी ये गंडकी के गंडकी में ही है, और दूसरा है भगवती गुहेश्वरी ये पशुपतिनाथ में है। पाकिस्तान में भी एक शक्तिपीठ है, वो हिंगलाज देवी की है, हिंगलाज ये हिंगलाज में पड़ता है। फिर श्रीलंका के शक्तिपीठ है, वहां पे भी एक है लंका शक्तिपीठ। फिर तिब्बत में 1 शक्तिपीठ है, मानस शक्तिपीठ, ये मानसरोवर में पड़ेगा। फिर बांग्लादेश में फिर 4 शक्तिपीठ है, यसोर जो जयसोर में है, भवानी मंदिर ये चटगांव में है, फिर कर्तोयाप्पाट ये भवानीपुर में है, और उग्रतारा देवी ये बारिसल में। ये हो गए 50। 21वीं पंचसार शक्तिपीठ है, ये कहाँ स्थित है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे तीर्थ स्थल बताए हैं हमारे भारत के। तो अगर आपको लगता है कि हमने सारी चीजें सही बताई हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो ज्ञान आप तक पहुंचा है ये अन्य लोगों के पास भी पहुंचे।
और हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा और हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।